भाई मेरे श्याम लग्यो जिस वस्तु के द्वारा किसी सम्मानित पुरुष को एक बार कलंक लग जाए तो वस्तु हमारे लिए चाहे जितनी उपयोगी हो पर जिस वस्तु से हमें कलंक लग जाए उस वस्तु का फिर जीवन में कभी संग्रह करना उसका त्याग ही कर देना श्रेयस्कर है। जिससे कलंक लगे उसका त्याग कर दो। हमारे यहां साधु में कहते फांस काट देना। क्या कहते हैं? फांस काट दी, जड़मूल से खत्म कर दिया। अब सत्राजित का नगर में रहना मुश्किल हो गया, लोग उसकी बड़ी निंदा करने लगे। तब तो उसने अपनी बेटी सत्यभामा, जो साक्षात भूलक्ष्मी है, भूदेवी है, सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया और दहेज में सिमंतक मणि को दिया। भगवान बोले बस इससे तो हम हाथ जोड़ते हैं, मणि से। बेटी तो हमने, मणि तो हमको जामवंती जी ने भी दी थी, हमने रखी नहीं, तुमको दे दी। अब तुम बेटी के साथ मणि देना चाहते हो तो बेटी तो ले लेंगे, मणि नहीं लेंगे। क्यों? इससे हमको कलंक लगाए, इस मणि से इसको हम नहीं रख सकते। महाराज मैं क्या करूंगा, मेरे तो एक ही लड़की है, वो तो आप से विवाहित हो गई। ये बात आपने पहले क्यों नहीं सोची? अब हम नहीं लेंगे इसको। सर्वथा भगवान ने इनकार कर दिया। बहुत पीछे पड़ा तो भगवान ने कहा ऐसा करो, मणि तो तुम ही रखो, तुम चाहो तो इस मणि से प्राप्त स्वर्ण अपने लड़की के लड़कों को दे देना, अपने दोहित्रों को दे देना, दोहितों को दे देना, और हमको न धन चाहिए न मणि चाहिए। अभी कथा यहीं पूरी नहीं हुई। सत धनवा अक्रूर जी और कृतवर्मा, ये तीन महानुभाव, कृतवर्मा और अक्रूर जी चर्चा कर रहे थे कि देखो सत्राजित हमारा मित्र है, इसने कहा था कि हम अपनी बेटी का विवाह जब करेंगे तो आप लोगों किससे सलाह मशवरा करके तब विवाह करेंगे, लेकिन गुप्त चुप तरीके से इसने विवाह कर दिया, हमसे पूछा तक नहीं। सतधनवा बोला इसने बहुत बड़ा छल किया है, ये जिंदा रहने लायक नहीं है, मैं तो उसको मार डालूंगा। अक्रूर जी और कृतवर्मा को विश्वास नहीं था कि मार ही देगा, पर उसी रात को सतधनवा ने सोते हुए सत्राजित का सिर काट दिया। मणि लेकर वहां से भागा, कृतवर्मा के पास गया, बोले मैंने मार दिया है सत्राजित को, ये मणि है। कृतवर्मा ने कहा साक्षात भगवान से तुमने विरोध किया है, हैं? अब तक तो सत्राजित कुछ नहीं था, भगवान का ससुर है वो, अपने ससुर को मारने वाले को वो जीवित छोड़ेंगे नहीं, और तुमको शरण देने का मतलब है भगवान से विरोध लेना, भाग जाओ यहां से। तो वह बेचारा अक्रूर जी के पास आया, बोले हमको बचाओ, भगवान श्री कृष्ण हमारे पीछे पड़े हैं। अक्रूर जी ने कहा कि जिन भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को धारण करके गोवंश को बचाया था, ब्रजवासियों की रक्षा की थी, इंद्र के मान का मर्दन किया था, उन श्री कृष्ण से विरोध लेना हमारे द्वारा संभव नहीं, तो मणि ले लो। बोले हाँ मणि ले लेंगे। अक्रूर जी ने मणि ले ली। सत्राजित सतधनवा वहां से भाग गया और सत्यभामा जी रोती रोती पहुंची इंद्रप्रस्थ। भगवान राजसूय यज्ञ में गए थे तो महाराज जी यहां लिखा है अहो न परम कष्टम इत्यस्राक्षौ विलेपतुः। जैसे सत्यभामा जी ने समाचार दिया भगवान बड़ी जोर जोर से रोने लगे। भगवान को रोते हुए देखकर दाऊ दादा भी रोने लगे। अहो न परम कष्टम, अरे बड़े कष्ट की बात है, हम तो हाय मारे गए, हमारे ससुर जी हमसे कितना प्रेम करते थे,
बेचारे चले गए। इतना रोए श्री कृष्ण के सत्यभामा जी का रोना बंद हो गया। भगवान क्यों रोए? सच्चिदानंद घन रोए क्यों? तो सुखदेव जी इसका उत्तर दे रहे हैं, अनुसृत्य नृलोकताम। नृलोकताम अनुसृत्य, सामान्य संसारी पुरुषों के जैसा नाटक श्री कृष्ण ने किया। क्यों किया नाटक? भगवान के प्रत्येक चरित्र में शिक्षा है। भगवान कहते देखो भीतर से अपने स्वरूप में स्थित रहो, संसार की घटनाओं से प्रभावित मत हो, लेकिन संसार में रह रहे हो, संसार का व्यवहार भी कर रहे हो, यदि तुम्हारे रोने से कोई राजी होता हो तो तुम रो लो, और तुम्हारे हंसने से कोई प्रसन्न होता तो तुम हंस लो, पर भीतर से न रो न हंसो, भीतर से तो अपने ठाकुर जी के स्मरण में बने रहो। ये भगवान ने स्पष्ट संकेत दिया। भगवान ने सोचा कि यदि मैं गीता का उपदेश देने लग जाऊं, न जायते म्रियते वा कदाचित, तो सत्यभामा जी कहेंगी हमारा तो बाप मर गया और इनको गीता का उपदेश सूझ रहा है, तो रुष्ट हो जाएंगी सत्यभामा जी। यदि मैं ये कहता हूं कि तुम रोना गाना बंद करो, तुम्हारे पिता के हत्यारे को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम मार डालेंगे उसको, कहेंगे ठीक है इन्होंने न्याय किया, पर मेरे पिता के प्रति इनका सौहार्द नहीं, ये प्रसन्न कैसे होंगी? ये प्रसन्न होंगी तब जब इनको ये विश्वास हो जाए कि हम जितना अपने पिताजी से प्रेम करती हैं उससे कई गुना ज्यादा प्रेम हमारे पतिदेव करते हैं। भगवान से सीख ले लो, आप लोग गृहस्थ लोग हो, सीख ले लो। प्रायः घरों में झगड़ा क्यों होता है? उसका कारण है कि जब पुरुष वर्ग के लोग रुष्ट होते हैं माताओं से, तो सीधे ही उनके मैया बाप की बुराई करने लग जाते हैं। अरे मैं जानता हूँ तेरा घर में गए थे ऐसा था वैसा था, तेरे घर में क्या है मैं सब समझता हूँ, तू कैसे खानदान की है, तेरा बाप कैसा है, तेरा भाई कैसा, हम सब जानते हैं। वहीं से तलवार खिंच जाती है। कभी नहीं अपनी पत्नी के पिता की निंदा कभी नहीं करनी, ससुर की निंदा कभी नहीं करनी। देखो हंसाने के लिए हम कोई बात नहीं कहते, माताएं सब कुछ सहन करेंगी पर अपने बाप की बुराई कभी सहन नहीं कर सकती। प्रशंसा के योग्य न हो ससुर तो भी जामाता का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी के सामने अपने ससुर की बड़ाई ही करे, नहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत कितने अच्छे हैं, बोले हम तो तुमसे ही अनुभव कर रहे हैं कितने अच्छे हैं। तुमसे ही अनुभव कर रहे हैं, आखिर तुम उनकी बेटी हो ना, बहुत अच्छे हैं, बुराई नहीं करना चाहिए। हमारे श्री राधा वल्लभ जालान जी हैं, अब शायद ठंड के मारे नहीं आए होंगे, नहीं तो सत्संग के बड़े प्रेमी हैं। अभी पता नहीं बनारस में है कि सूरत में, सूरत में है, हाँ तो ठंड में तो सूरत ठीक है। तो उन्होंने एक घटना सुनाई, अब पूरी पूरी घटना तो आप लोगों को पता होगी कि किसके घर की क्या घटना है, और उस घटना का आशय था कि पूज्य सेठ जी गोरखपुर में थे और किसी उनके निकट संबंधी के यहाँ कोई मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो लोग जाते हैं बैठने के लिए, तो सेठ जी भी गए और जाते ही सेठ जी वहां रोने लग गए। तो लोग तो बड़ी आशा लगा के रखे थे कि सेठ जी आएंगे कोई ज्ञान की बात कह के सबको सांत्वना देंगे, और सेठ जी कुछ बोले नहीं, आके सीधे रोने लग गए। तो लोगों ने कहा अरे तो बहुत आश्चर्य की बात है, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा आप रोना बंद करो, आप इतने ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध होकर आप रोओगे तो हम लोग धैर्य कैसे रखेंगे,
तो शेठ जी ने कहा कि हम रोना बिल्कुल बंद कर देंगे, तुम सब निश्चय करो कि हम नहीं रोएंगे तो हम रोना बंद कर देंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा उपदेश सुनकर तुम्हारा रोना बंद नहीं होगा, हमारा रोना देखकर तुम्हारा रोना बंद हो सकता है, हैं? तो जहां हमारे रोने से भी काम सिद्ध होता हो वहां रो भी लेने में कोई कठिनाई नहीं। हम ठीक से नहीं कह पा रहे इसको, अच्छे ढंग से कहते हैं राधा वल्लभ जी इस घटना को। संसार का व्यवहार ऐसा है, किसी भी प्राणी को तुम्हारे व्यवहार से पीड़ा ना पहुंचे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरे श्याम।